प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो सभी जगह चर्चा का विषय भी बन गया है, क्योंकि इंदौर पुलिस ने अपने डॉगी को घुमा रहे एक शख्स को डॉगी सहित पकड़कर अस्थायी जेल भेज दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल इंदौर के पलासिया थाना पुलिस ने अजीब ही कारनामा कर दिया है जिसकी सभी जगह चर्चा हो रही है। पलासिया थाना क्षेत्र के मनोरमा गंज में एक रियल एस्टेट कारोबारी अनित अपनी डॉगी को घुमा रहे थे। इस दौरान पुलिस और अन्य विभागों की टीम जनता कर्फ्यू का पालन करवाने के लिहाज से राउंड पर थी कि तभी उन्होंने कारोबारी को देख लिया और टीम उनके पास आ धमकी। कारोबारी की टीम को समझाने के बाद भी वह नहीं माने और उन्हें डॉगी सहित पकड़कर अस्थायी जेल भेज दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। पलासिया पुलिस की माने तो युवक को थाने लाकर सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। वर्तमान समय में कोरोना का संक्रमण चारों ओर फैला हुआ है, सभी लोग को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो घर पर ही रहें, किसी भी तरह का मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक नहीं करना है, किंतु थाना पलासिया क्षेत्र में मनोरमा गंज में अनित उम्र 52 साल के ये कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए पाए गए थे, जिन्हें थाना लाकर सख्त हिदायत दी गई कि दोबारा ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, इसके उपरांत इन्हें रुखसत किया गया। बहरहाल देखा जाए तो पलासिया पुलिस के इस कारनामे को लेकर कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।